हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खुशहाल होंगे और मैं भी आप लोगों के आशीर्वाद से दुआओं से बहुत अच्छा हूँ। तो आज का रेस्क्यू कॉल हमें आया है ग्राम नेकपुर से। तो ये दर्शक लोग हैं हमारे, इन्होंने हमें कॉल कर सूचित किया है। भैया किसने कॉल की थी? अपना नाम बताओ। मुकेश कुमार। इनका नाम मुकेश कुमार है, यहीं के रहने वाले हैं। तो इन भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सांप की जान बचाने के लिए। तो हम लोग मौके पर आ चुके हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। कोई सांप देखा गया है तो अभी निकाल के दिखाते हैं कौन सा सांप है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, इनको दिखाने एक बार दर्शकों को। तो दोस्तों, ये काफ़ी पुरानी कोठरी है। यहाँ सिंचाई का साधन है, ऐसे इसी में ट्यूबवेल लगा है। तो ये जो देख रहे हैं इसी के अंदर बैठा है कोई सांप, अभी निकाल के दिखाते हैं। प्लास्टिक वाला डब्बा हो वो नहीं, ना उसका ढक्कन भी शांत रहो, सब लोग बिल्कुल शांत रहो। तो दोस्तों, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, तो अभी इसको निकाल के दिखाते हैं। बिल्कुल शांत रहो आप लोग। पूछ आएगी, पूछ खजला शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो। शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो आप लोग। उधर जा रहे हो, शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो। तो दोस्तों, काफी बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। जय भोले बाबा के। रवि भैया निकाल दो, देखो शाम दया हो भैया तो।
बुराई ना है करिया देखो फन है भैया करिया है महाराज दुबे महाराज देखो लेकिन लेकिन ठंडा नो है लेकिन है ठंडा नो भी भैया। तो दोस्तों काफी बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है होता है दोस्तों आदमी अंधविश्वास से अपनी जान दे देता है जबकि ये सांप काट ले लगभग 40 से 50 मिनट का समय रहते हैं सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे वहीं स्नेक एंटीवेनम लगेगा तभी जान बचेगी। लंबाई लंबाई होगी दोस्तों तकरीबन 4.5 फीट के आसपास होगी नहीं 5 से कम नहीं 5.5 तो ठीक है दोस्तों हम इसको सुरक्षित पैक करके इसके सुरक्षित वातावरण में छोड़ेंगे। तो दोस्तों ये आसानी से इसके अंदर चला गया है दोस्तों होता क्या है कि जब यह सांप निकलता है तो आदमी भयभीत होकर कहीं उसको मार देता है जानकारी की कमी के कारण जबकि ये हमारे पर्यावरण मित्र हैं दोस्तों इनकी इन जीव जंतुओं की सुरक्षा करना मानव जीवन का परम धर्म है परम कर्तव्य है। तो इनसे होता क्या है अपने जो पर्यावरण का संतुलन है जीव जंतुओं के बिना पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को बचाने में हमारा सहयोग करें। तो दोस्तों यह न्यूरोटॉक्सिस का वेनम स्नेक है इसमें न्यूरोटॉक्सिस वेनम पाया जाता है और जब यह काट लेता है तो आदमी जितनी जल्दी हो सके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचे वहीं स्नेक एंटी वेनम लगेगा तभी आपकी जान बच सकती है। और आदमी करते क्या है जो लोग जिनको जानकारी नहीं है अंधविश्वास में कभी जड़ी बूटी के चक्कर में कभी तंत्र मंत्र के चक्कर में टाइम ले लेते हैं इसमें क्या होता है उस व्यक्ति की जान चली जाती है। तो दोस्तों झाड़ फूँक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े सीधे जैसे ही ये सांप बाइट कर ले तो सीधे जिला अस्पताल जाएं। तो ठीक है दोस्तों इन लोगों ने सांप को बचाने का बहुत अच्छा काम किया मैं इन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो लोग हमारे वीडियो में नए हैं हमारे चैनल पर नए हैं वो आर के सर्प मित्र जो यूट्यूब चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब कर ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे तो आप लोग अंधविश्वास से बचे और वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य रहता है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और अपने पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जीवों की रक्षा करते हुए प्लस लोगों की मदद करते हुए रेप्टाइल्स की मदद करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।